छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपने जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जनजातियों में मनाए जाने वाले उत्सव देश के जन्म में हमेशा से चर्चे का पात्र रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही इन्हीं में से एक उत्सव में, जो इतिहास के एक ऐसे वीर को समर्पित है जिसने देश की आजादी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। वीर नारायण सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने जन के लिए समर्पित थे। गांव में अकाल पड़ने पर जब सरकार से मदद की गुहार लगाई उन्होंने, तब ब्रिटिश सरकार ने अनाज देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने जवाबी कार्रवाई में बड़े गोदामों से अनाज लूट लिया, जिस वजह से उन्हें और उनके साथियों को जेल भी जाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार से बगावत करने के खिलाफ जनरल स्मिथ ने 10 दिसंबर 1857 को सरे आम चौराहे में इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनकी शहादत को लोग आज भी बड़े फक्र से याद करते हैं। वो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी शहीद थे। इनकी शहादत को हर साल बड़े ही भव्य ढंग से एक मेले के रूप में मनाया जाता है, जिसे वीर मेला के नाम से छत्तीसगढ़ के जन जन जानते। छत्तीसगढ़ के आदिवासी तरह तरह के आदिवासी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस साल का वीर मेला भी काफी संपन्न ढंग से हुआ। प्रमुख पदाधिकारियों एवं राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री भी शामिल थे। जिनका भी सराहनीय योगदान देखने को मिला। उसी तरह वीर मेला जिस गांव में आयोजित किया जाता है, उस गांव की भी अपनी ही एक अलग कहानी है। कहते हैं कि 32% आरक्षण का जो मुहिम है वह इसी गांव से शुरू हुआ था। वहां के ग्राम देवता अपनी एक अलग धार्मिकता लोगों में ढाल देते हैं। वीर मेला का जिक्र हुआ है और गांव का नाम न ले तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। राजा राव पठार। लोगों की माने तो इस मेले का आयोजन इनकी अनुमति के बिना असंभव है। इन्हीं विविधताओं के कारण छत्तीसगढ़ भारत में अपनी एक अलग जगह रखता है, और ये धान का कटोरा होने के साथ साथ कई शहीदों का गढ़ भी है।
आपको मुखिया के रूप में अवगत कराने के लिए हमारे उद्भट वक्ता प्रखर कार्य करने वाले जिनके नाम से आज समाज खड़ा हो गया है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए, मैं आदरणीय सोहन पोटे जी का अध्यक्षीय उद्बोधन जो आप सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेला समिति के संरक्षक है आदरणीय सोहन पोटे जी से आग्रह करूंगा अपनी बात आप विचार रखें। वॉलंटियर महिला शक्तियों को अपने स्थान पर सुरक्षित बैठाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानी मंच समय के अभाव हालांकि देरी हमारे तरफ से भी हुए हैं, सीएम साहब तरफ से भी हुए। मैं जैसे अब लखमा जी पहले बोल रहे हमारे मांग पर हमारे ये में महापंचायत काबा की वीर मेला केवल मेला ही नहीं बल्कि इस मेला में 9 तारीख के महापंचायत होते में 42 जनजाति के पूरे प्रदेश भर के समस्या और समस्या के निराकरण पहले जो हुई देकर कथित हुई शराब का हुई और कथित और समस्या पैदा हुई शेखर पर विचार विमर्श होते वे प्रतिवेदन बनाए जाते। वही प्रतिवेदन में जय स्तंभ में हम जो बात रखे हैं कि भाई वीर शहीद वीर नारायण जी के ओकर प्रतिमा स्थापित हो, भव्य प्रतिमा स्थापित हो, तभी ओकर आज जो श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित हो और सच्चे श्रद्धांजलि होगी। वीर मेला समिति ओकर 5 लाख दी, अन्य और समाजवान दी 10 लाख, तय हो गए बात वो में और कुछ मिला के स्थान तय करके जहाँ जय स्तंभ है वहीं पे वो में भव्य स्मरणीय रहे, क्योंकि वही जगह जिला कहते थे अभी खूब से है फांसी चढ़ा के 7 दिन तक पूरा झूला में पूरा लटका है, ताकि प्रदेश के जो लड़ने वाला है केवल आदिवासी नहीं प्रदेश के कोई भी यहाँ के मूल निवासी जो देखे कि वीर नारायण की लात ला देख के दहशत फैली, इकार में दहशत तो नहीं फैली लेकिन दहशत फैली तो अंग्रेज वाला तब वो फांसी में लटके हुए 7 दिन तक झूलते हुए लाश ला वो से चलाए थी वो से उड़ा दिए, मतलब दहशत हो मेरी से हमारे में नहीं बल्कि आज हमें लड़ाई के जुनून है प्रदेश के जनता। माननीय मुख्यमंत्री जी हमला कोई शिकायत नहीं, बहुत सारे काम करे, विकास भी हुए, धरातल में भी उतरे हैं, लेकिन आप पर सोचा तो कि अतिक सब कहा था लेकिन 19 जुलाई से आखिर 3-3 महीने ले लड़ाई काबर लड़े सड़क के और एक प्रमुख कभी कोई कारण है तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार बाकी थी तो होते संवैधानिक अधिकार बाकी है और संवैधानिक अधिकार के लिए हमारे 32 विधायक तो आदिवासी, अब 32 विधायक में 30 विधायक सरकार में है, ओकर बावजूद हमारा जो समस्या है न विधानसभा में ठीक से रखे न ओकर लिए कोई बात रखे, हम अधिक दिन तक लड़े लड़े कभी शायद आपके पास चुपचाप जाके बोल दिन हुई वो बात अलग है लेकिन कहीं भी विधानसभा में बात नहीं गुजरी, यही चीज के हम पीड़ा है ताकि आप ये मन कम से कम हो आक्रोशी और बोले समाज का वाद उठाए, यदि ये मन उठाती तो हमला लड़े थी योगिस्तान मीडिया वाला पूछा तेरी से होटल जी आपका तो 32 विधायक है 3 जगह सामान्य क्षेत्र से जीते हैं 29 और वो जीते हैं ओकर बाद जाती जो 32 विधायक होते हुए आप मन आंदोलन कर दो, मैं कि हम आंदोलन करे के प्रमुख कारण है हमारे विधायक, यदि वो मन ध्यान देती तो शायद हमला ताली मत बजाओ भाई, ताली बजाओ तो ऐसे लगते कि भाई ये करते तो मैं जो आप मन भी चिंतन करो तो ऐसे जो विधायक लगे हम चुन के भेजो हमारे काम नहीं हुई, जैसे अभी लखमा जी कहा कि धोखा से उसमें कोई संदेह नहीं
कोई संदेह नहीं, वो करत है काम, वो भी करत है सब कुछ। ये चीज के जो है प्रथम हमारे जो ये है पेशा कानून शीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि अभी वो में जो आप कह रहे हो कि भाई वो में जो भी है वो पूरा उसका प्रारूप बन के आ जाए तो मैं करूं। हमने इसलिए कहा था कि आप तो वचनबद्ध हो, आपके घोषणा पत्र में आप वचनबद्ध हो, फिर भी कुछ हमारे विधायक मन कहते कि हम पेशा के पक्ष में नहीं है, इसलिए हमारा संदेह होते कि कहीं हमारे मैं आपको कभी व्यक्तिगत रूप से बता भी दूं कौन कहा दिल्ली से, यहाँ पे मैं सार्वजनिक नहीं बोल रहा, लेकिन हम कहे कि हम पेशा के पक्ष में नहीं है तो हमारा संदेह होते कि यदि विधायक बोलते तो कोई सरकार के तरफ से नहीं बोला था, संदेह हो जाते। इसलिए हम कहा था कि जल्दी से जल्दी जो है जो भी है वो में अभी जैसे कुछ आए है वो में पेशा के जो है आत्मा ना भुला गए हैं, जब तक वो में आत्मा नहीं हुई तब तक वो पेशा का कोई औचित्य नहीं। अब वो में जो भी ग्राम सभा निर्णय कही वो कलेक्टर के माध्यम से सरकार लग गई तो फिर कलेक्टर और हमारे सुपरियर हो जाए तो ग्राम सभा के काम महत्व स्वायत्तता कैसे होगा, ये बात का आपने चिंता करना है होकर हिसाब से करना है। ये तो राम पथ वन गमन हमारे यहाँ तो वोट लगे नहीं इसे हाली को, हाँ जब भी सड़क निर्माण हुई तो राम वन पथ गमन के नाम से हमन मना कर दे तो बोर्ड हटा दे, लेकिन बस्तर में बहुत जगह है वो कर आप बनाओ बढ़िया बनाओ अच्छा बनाओ रोड, लेकिन वो गांव के नाम जुड़ जाए, गांव के नाम एमओ प्राप्त करके मार वो अच्छा रही। एक कल के जो महापंचायत में बात है सड़के गुड़ा एरस मेटर और पाल मेटर एक न्याय जांच आगे है और जांच में सभी लगभग लगभग ये पाए गए है कि ये हाल से ये में है जानबूझ करके या अनजान में जो भी करके निर्दोष मतलब मारे गए, तो कम से कम जितने निर्दोष में मारे गए हैं उनका परिवार ने मुआवजा मिल जाए और साथ ही साथ जो मन गलती करे हैं उनकर पर तुरंत शीघ्रता से कार्रवाई हो, चाहे उनके ऊपर एफआईआर हो और कार्रवाई हो, ये हमारे महापंचायत से मांग कर। सिलगेर के मामले में भी आपसे बात भी होती से मैं तो देना चाहता हूं लेकिन उम्र लेना नहीं चाहे, हम तो कथन कि आपके तरफ से कम हमारे ऊपर ये हमला कोई संदेह ना हो ये घोषणा कर दे कि भाई हम मृतक परिवार को यदि लेना चाहे तो हम उनको मुआवजा भी देंगे और जो भी है चीज वो दे देंगे, घोषणा हो जाए तो हमारा समाज एक संतुष्ट हो जाए। काबर अभी भी आंदोलन कर रहे और आंदोलन वालों से और बातचीत कर सो कहते हैं कि मुआवजा दे उनका ऊपर कार्रवाई हो जो भी दोषी, लेकिन अब दोषी के ऊपर कार्रवाई जब न्यायिक जांच हुई और जांच की रिपोर्ट नहीं ओकरे बाद हम कह सकते हैं, लेकिन सरके पूरा एरस मेटर और पान मेटर के न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ गई है परिसर नक्सल पीड़ित परिवारों का मुआवजा एवं व्यवस्थापन किया जाए, जेल में आदिवासियों को जो भरा है ये किया गया उसके लिए फास्ट ट्रैक अभी तक जरूर आयोग जो बनाए हो वो जिसमें पटनायक क्या जो है लेकिन बहुत स्लो चल रहे कछुए के चाल में आस्ट्रेक के माध्यम से उसका निर्णय हो ताकि उसका जल्दी जल्दी समाधान हो। एक बार जो है हमारे कांकेर में चारमा के पास कांकेर जिले में मेडिकल कॉलेज का जो है आपके द्वारा घोषित हुआ है और कांकेर में कृषि महाविद्यालय, ये दोनों ठंड के नामकरण स्वर्गीय राम प्रसाद जी पोताई जो संविधान के निर्माण में जो है सदस्य रही से होकर नाम से हो जाए ताकि कोई भी आए देखे ये राम प्रसाद पोताई कौन है तो कम से कम ये जाने कि भाई वास्तव में यही संविधान निर्माता के सदस्य। आज मैं कल दो दिन धमतरी में गए हैं अवमन कहते सॉरी भिलाई में मैं पूछा कि हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक संविधान के सदस्य संविधान सभा के मकिन कौन है हमें नहीं जाना, तो कम से कम वो जब नहीं तो दूर दराज से पढ़े नहीं तो आखिर एक नाम कैसे जानी, तो कृषि
कृषि महाविद्यालय में इसलिए कहा था कि वो कृषि के बहुत बड़े अच्छा कृषक थे और इसलिए उसका भी होना चाहिए। मेरा ये प्रदेश में खनिज उत्खनन अभी भी चला थे, अधिग्रहण भी चला थे। समर मन के पहले से भी मांग से बोला वो है जमीन है अधिग्रहण ना करें, आपको जो भी खनिज निकालना है निकालें, लेकिन उसको लीज में लेकर के जो वहाँ के जो कृषक है जिनके नाम पट्टाधारी है उनको आप शेयर होल्डर बनवा दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं होगा, ये निवेदन है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आपके यहाँ से बार बार आदेश होता है, बार बार आप निर्णय लेते हैं, लेकिन अभी तक फर्जी लोगों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसका जो है शीघ्रता से संज्ञान में लेकर के, या तो कल के दिन में रिटायर हो जाए उसके बाद यदि संज्ञान में लेने से कोई उचित नहीं, कम से कम उसको शीघ्रता से संज्ञान में लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई हो। शास्त्री नौकरी में बैकलॉग भर्ती हो और जो भर्ती में आरक्षण का रोस्टर लागू किया जाए, पदोन्नति में आरक्षण शीघ्रता से हो, क्योंकि कोर्ट में है मामला और कोर्ट में ना मामला तो जरूर है, लेकिन आपके यदि कोई उसमें बहुत संवेदनशीलता होगा तो इसका जल्दी से जल्दी निराकरण होगा और उसका लाभ मिल सकता है। एक और कल महापंचायत में आया था आदिवासी विभाग को शिक्षा विभाग में जो विलय किया गया है उसको फिर से पुनर् जो पहले था उसी स्थिति में किया जाए, ऐसा महापंचायत का आता है, पूरे समाज का ये आवाज है, तो ये हो जाए ताकि वो अलग अलग हो। पहले ट्राइबल का था, ट्राइबल को जो ट्राइबल हो एजुकेशन का एजुकेशन। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पखाजूर है, पखाजूर में सीएम साहब अभी 14 पंचायत को सामान्य कर दिया, 14 पंचायत को। आपको ध्यान तक वहां कलेक्टर ने आप तक ध्यान प्रेषित किया है कि नहीं किया नहीं मालूम। यदि इस तरह से क्योंकि कोई भी पेशा है पांचवी अनुसूची क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई करने के पहले राज्यपाल से अनुमोदन होना चाहिए, सरकार के संज्ञान में आना चाहिए। अभी हुआ है कि नहीं, लेकिन 14 ग्राम पंचायत को सामान्य घोषित किया गया है, इसे निश्चित रूप से असंतोष है सामान्य। प्रदेश में आदिवासियों के जमीन जैसे है हस्तांतरण है, महिला बच्चों के साथ अत्याचार है। आप देखेंगे कि सरगुजा संभाग में सर्वाधिक ट्राइबल की जमीन को अदर लोग का ऊपर ट्रांसफर कर दिया सीधा सीधा। हमारा ये सोच है कि वहां पर एक अलग से राजस्व उसका वो बने और वहां जाकर के उसका वाकई में इसका जांच हो, जांच करके इसका निराकरण किया जाए। जैसे तो अभी 43 एकड़ का मामला आया था जिसको अभी लौटा है, ऐसे कई मामले। एक बात और आया था कि वीर शहीद नारायण दिवस का व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में मनाया जाता है, 10 दिसंबर को शासकीय अवकाश। अभी रात में आया था लेकिन अभी सीएम साहब से बोला कि ये पूर्ण रूप से शासकीय अवकाश है, लेकिन रात में महापंचायत में आया था कि ये ठीक है क्या, ठीक है क्या ठीक है कर दो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और यद्रे कुछ बात है और एक हमें एक निवेदन है आग्रह है और एक और, ये राजा राव बाबा जहाँ से जाता है यहाँ से मुख्य मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा, पुरानी हो गया 1 किलोमीटर, इसको ना सीमेंटीकरण रोड बन जाए क्योंकि फॉरेस्ट का है बन सकता है, तो वो अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा खर्च नहीं, फॉरेस्ट वालों को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी बन जाएगा। और यहाँ का बाकी मामले के बारे में तो आप बोली दिए हैं कि यहाँ प्रोसेसिंग वाला ये बाजार प्रशिक्षण ये तो मांग पत्र ही गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपने आपका जो है व्यस्तम कार्यक्रम के बाद भी आपने हमारे यहाँ हमारे जो निवेदन को स्वीकार किए और यहाँ पर पहुंचे, इसके लिए एक और पांचवी अनुसूची नगरी निकाय में 243 याद के अंतर्गत संवैधानिक रूप से मेसा कानून बनने तक नगरी निकाय को पुनः ग्राम पंचायत में किया जाए यदि संभव है, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि मेसा
कानून है लोकसभा में राज्यसभा में लटका हुआ है, लोकसभा से हो गया राज्यसभा में लटका हुआ है, क्योंकि ये यदि वहां से पास हो जाता है, हमने अभी महामहिम राज्यपाल से भी आग्रह किया कि आपका सीधा सीधा केंद्र से संपर्क संबंध है, आप वहां पर जाकर के इस बात को अवगत रहें ताकि उसका हो। इन्हीं के साथ आपको पुनः यहां पर आगमन के लिए ये वीर मेला आयोजन समिति पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।